हेलो एंड वेलकम टू नेम्बर्स आई आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस इनिशिएटिव में हम आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करेंगे बाय इलेवन ओ तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप इन पे शेयर करेंगे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एंड वी एक्सपेक्ट यू टू शेयर योर आंसर्स आप अपने खुद के आंसर्स लिखिए आप रिसर्च करें न्यूज़ से इससे क्या होगा आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है फॉर आंसर राइटिंग तो आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं तो आप शेयर कीजिए पेयर इवेल्यूएशन होगा एज वेल एज वील ऑल्सो बी चेकिंग योर आंसर्स थोड़ा बहुत हम भी फीडबैक देंगे एंड सब कुछ कंबाइन करके हम इसको डिस्कस करेंगे इन आर एनालिसिस सेक्शन एनालिसिस वीडियो तो जैसे कि अभी जो वीडियो बन रहा है तो इसी वीडियो में हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे ऑन दोज क्वेश्चन तो आ जाते है आज के क्वेश्चन के ऊपर तो आज हम दो इशूज के ऊपर बात करने वाले हैं तो पहला इशू बोथ द क्वेश्चन आर फ्रॉम जीएस टू ठीक है तो पहला इशू तो है अबाउट यू नो आजकल नई नई बीमारियां आ रही है नए नए नाम कोरोना वायरस तो हो गया अब नेपाल वायरस आ रहा है तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बाकी बाहर की कंट्रीज में थे अब इंडिया में भी देखने को मिल रही है तो इसकी वजह से एक बात क्लियर होती है कि हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन दी हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेडनेस एंड हेल्थ सिस्टम्स तो हमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन इफेक्टिवली डील विद सच डिजीजेस तो ये एक क्वेश्चन है सो so दैट एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक के ऊपर है ठीक है दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक और एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक दैट इज अबाउट द इशू ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स सार्स कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हो गए है ना स्कूल्स बंद हो गए तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई है उसकी वजह से अब बात हो रही है अबाउट री ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स तो क्या स्कूल्स को री ओपन होना चाहिए या नहीं अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे अब ये बुक बेस्ड नहीं है यूपीएससी ऐसे पूछता भी नहीं है तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन यूपीएससी अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स एस ठीक है पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या प्रायोरिटी देनी है क्या अप्रोच होगा द आउटब्रेक ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस तो ये जो आउटब्रेक हो रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर ठीक है पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम तो प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम क्यों टू इफेक्टिवली डील विथ सच डिजीजेस तो इसको हमने डिस्कस करना है डिस्कस मतलब चर्चा तो चर्चा में तो कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आप फ्रेंड्स आपस में भी डिस्कस करते हो तो कुछ कुछ बोलते हैं कुछ बोलता है बस ओनली थिंग इज़ कि आप जो इशू है उसके अगेन उसके ऊपर ही आपने रहना है सीमित रहना है बस ये लिमिटेशन है यहाँ पे तो अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना है पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे उसको लिखना है कैसे रिसर्च करनी है तो पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दिस स्टेटमेंट द आउटब्रेक ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस तो इज इट इज रियल ठीक है तो आप बताएंगे कि हमारा कोरोना वायरस है हमारा निपा वायरस है और कई कई नई डिजीज आ रही है आप इस स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे उसके बाद आप बात करोगे अबाउट द वीक हेल्थ केयर सिस्टम अभी ये दिल्ली का जो इशू हुआ था सेकेंड वेव और उसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया एक्चुअली कि कैसे हमारा हेल्थ सिस्टम वीक है तो हमें इसको प्रिपरेशन हमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करना पड़ेगा ऑन इम्प्रूविंग दी हेल्थ सिस्टम्स और सिर्फ यहाँ नहीं बात ख़त्म होती है अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें तो वी आर हैविंग यू नो वी आर हैविंग अ डबल बर्डन ऑफ डिजीजेस हमारी कंट्री बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू वी वॉन्ट टू मूव टू द डेवलप्ड कंट्री अब हमारी कंट्री में देखे जा रहे हैं नए ट्रेंड्स बीमारियों के तो पहले तो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी ज़्यादा डायरिया इन्फेक्शस डिजीजेस वो सब अब हम डेवलप्ड कंट्री की बीमारियाँ भी देख रहे हैं जैसे कि एस्थमा ओबेसिटी कार्डी डिजीजेस तो ये डिजीजेस भी हमें देखने को मिल रही है तो इन सब को डील करने के लिए हमें एक सूटेबल स्ट्रैटी बनानी पड़ेगी ठीक है तो इन सब के चलते आपको पहले तो आप बता देते हो कि आउटब्रेक ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस रियल पहले तो ये आपने इस्टेब्लिश कर दिया सेकंड आप बात करोगे सेकंड आप बात करोगे अबाउट द इश्यूज प्रिवेलेंट इन दी इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम तो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है आप वो बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बाद आप बता सकते हैं कोई इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ प्रिपेरनेस तो कोई कोई स्कीम्स होंगी कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट टाइम्स में भी कोविड नाइन्टीन के चलते तो आप छोटे से उसमें बता दीजिए ये ये चीज़ें हैं फिर आप सूटेबल सजेशन ये कि क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं एंड लास्ट में आप कंक्लूड कीजिए बेस्ड ऑन ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन है तो ये आपका अप्रोच होगा और ऐसे ही डिस्कशन भी होती है सारे आपको सारे एस्पेक्ट बताने पड़ते हैं एंड एंड में आप कंक्लूड करते हो तो यही यहां पे भी अप्रोच रहेगा अब आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर सो फर्स्ट यू विल एस्टैब्लिश यू विल एस्टैब्लिश द स्टेटमेंट्स तो आपके पास एग्जांपल्स है अबाउट द कोविड नाइनटीन। यू हैव द एग्जांपल ऑफ द निपा वायरस तो निपा वायरस जिसकी फैटिलिटी रेट बहुत हाई है मतलब जिनको हो रहा है वो मोस्ट विल डाई ठीक है तो आप बताइए इन डिजीजेस के बारे में और बताइए कि इन्होंने एक्सपोज किया है द वीकनेस इन दी हेल्थ प्रिपेरनेस सेकेंड वेव कोविड तो आपको पता ही है सबने देखा था क्या हुआ है अब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हम नॉर्मली ट्रेड के साथ एसोसिएट करते हैं पर ग्लोबलाइजेशन का यह भी मतलब होता है देर इज मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वेन देर इज मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दैट मीन्स देर इज मोर प्रॉबिलिटी ऑफ डिजीजेस कमिंग इन टू इंडिया लॉजिकल सी बात है so because of globalization the risk of new diseases outbreak of new disease wo bad gaya hai aur india ke case mein ye aur kharab ho jati hai baat because india mein population density bahut high hai sirf population ki baat nahi kar population density bahut high hai theek hai number of people living in particular area उसके बाद इंडिया में देयर lower income levels बाकी countries के हिसाब से developed countries के हिसाब से लोअर इनकम लेवल्स मतलब वो और वनरेबल है अगर कोई प्राइस कुछ क्राइसिस हो जाता है तो उनका बजट पूरा हिल जाएगा दे में भी, दे में भी कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास से पॉवर्टी में जा सकते हैं और फिर एडुकेशन अटेनमेंट भी लो है तो इसकी वजह से द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग डिजीजेस ये जो रिस्क है ये और सिवियर हो जाती है प्रॉब्लम तो ये सब आपको बताना है इन वेरी शॉर्ट इन प्रिसाइज वर्डिंग में आपको ये बताना पड़ेगा यहां पे। नेक्स्ट आता है द वीकनेस इन हेल्थ प्रिपेयरनेस। तो सबसे पहली चीज क्या आती है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल डाटा देयर बेडिंग कैपेसिटी क्या है हॉस्पिटल की फिर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी क्या है अभी जब कोविड होता है तो हम क्या करते हैं आरटीपीसीआर? तो डायग्नोस्टिक एक्सरे, एक्सरे चाहिए होता है क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है सो वी हैव अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हम हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ इंफ्रा इज फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज अर्बन एरिया अर्बन जो इंडिया को अगर हम बात करें डेमोग्राफी की तो थर्टी परसेंट ऑफ इंडिया इज अर्बन एंड रेस्ट इज रूरल ने ठीक है ये अर्बन जो थर्टी परसेंट है इसको सेवेंटी परसेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रा मिला हुआ है और इसको थर्टी परसेंट तो एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सिस बहुत कम है रूरल in इंडिया जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है उनको नहीं मिल रहा है और फोकस जा रहा है सारा अर्बन इंडिया पर सो देर इज अ डिस्पैरिटी और ये और एग्रवेट कर देता है द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद टू मेक वैट मैटर्स वर्स देर इज अ शॉर्टेज ऑफ एफिशियंट एंड ट्रेंड मैन पावर तो हम अगर इंडिया बात we have, अगर की बात करें वी हैव अगर सिर्फ डॉक्टर्स की बात करें सो वी हैव पॉइंट सेवन डॉक्टर्स फॉर वन थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन तो वन थाउजेंड लोगों के लिए हमारे पास एक डॉक्टर भी नहीं है और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज निकालें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके अंदर टू पॉइंट फाइव डॉक्टर्स है फॉर वन थाउजेंड पॉपुलेशन एंड रेकमेंडेड इज फाइव सो वी आर वे शॉर्ट ऑफ इट तो हमारे पास डॉक्टर्स भी कम है हमारे पास हेल्थ इंफ्रा भी कम है इसलिए हमारी प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी वीक एंड देन हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब पेशेंट जाता है और अपने आप अपनी जेब से खर्चा करता है तो ये बहुत हाई है इट्स वन ऑफ हाईएस्ट इन वर्ल्ड इट इज़ बिटवीन 65 टू 70 परसेंट अलग अलग एस्टिमेट्स हैं तो 65 से 70 परसेंट के पीछे द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो होता है ना आप हॉस्पिटल जाते हो कंसल्टेशन देते हो मेडिसिन खरीदते हो दैट इज़ ऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाहर कंट्रीज़ में देर इज देर इज़ अ सिस्टम कि आप जैसे पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती ठीक है यू एक्सपेक्ट फ्री फ्री हेल्थ केयर और बाकी कंट्रीज में भी ये प्रैक्टिस होती है पर इंडिया में हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड वन ऑफ द रीजन फॉर हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ पुअर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा ठीक है पब्लिक हेल्थ केयर हमारा वीक है पुअर पब्लिक हेल्थ केयर इन्फ्रा प्लस लो इंश्योरेंस कवरेज तो इंश्योरेंस अगर होता एटलीस्ट सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड केयर हम जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन होती है वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज फुटेड द बिल हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फिर हर सेक्टर में मैल प्रैक्टिस होती है सो मैल प्रैक्टिस ऑफ अप्यूजिंग द इंश्योरेंस सिस्टम फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन जहां जरूरत नहीं थी फिर भी खर्चा करवा दिया किसी का काउंटर फेट ड्रग्स गलत ड्रग्स है सो मैल प्रैक्टिसज इन द सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज ओवर हेयर अब आते हैं टू तो द नेक्स्ट इशू मतलब नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है अब तक टू रेक्टिफाई दिस इशू ये आज की प्रॉब्लम्स तो है नहीं पहले से चलती आ रही है तो इसको ठीक करने के लिए भी कुछ किया होगा तो मेजर्स सो विद रेफरेंस टू द कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन के चलते गवर्नमेंट ये सारे पीआईबी से है उन्होंने एमर्जी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज एक रिलीज किया है टू डील विद द इशू ऑफ कोविड नाइनटीन गवर्नमेंट एक्नोलेज करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट इसके लिए उन्होंने एक एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किए अंडर द नेम ऑफ मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव है फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये पूरा स्कीम का नाम है उसके बाद एक फ्लैगशिप स्कीम है विच इज़ नोन एज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका प्राइमरी फोकस है इट इज मतलब अगर हम पीआईपी ही देखें या फिर गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट कहती है दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अश्योरेंस एंड इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम इन कंट्री तो इसका फोकस है ऑफ प्रोवाइडिंग एड एंड असिस्टेंस टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए है प्राइमरीली प्राइमरी हेल्थ केयर भी होता है पर प्राइमरी फोकस इसका मेन फोकस सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है और वो कहते हैं दैट दिस इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच मतलब किसी को जो पुअर बैकग्राउंड से है उनको यह एंटाइटल्ड होगा कि इनको ये बेनिफिट मिलेगा तो ये इसके बारे में नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नाम से मत जाना इसके अंदर थोड़ा इसमें ये ये है कि द स्कीम इज़ फोकस्ड यू नो ये बात मैंने करी थी यहाँ पे रूरल अर्बन डिस्पैरिटी तो अर्बन एरियाज जैसे या अर्बन एरियाज में आपको दिल्ली में ही आपको एम्स मिलता था पहले है ना तो दिल्ली में ही आपको एम्स मिलता था तो अब फोकस कर रहे हैं कि बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी एम्स लाइक इंफ्रा हो सो दे वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड इंफ्रा इन टर्म्स ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर तो उसमें इक्विटी हो ये इसका फोकस है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मतलब हम हेल्थ केयर इंप्रूव कर रहे हैं मतलब हम प्रिपेरनेस इंप्रूव कर रहे हैं तो ये एक हो गया यहाँ पे और दूसरी बात कि इंडिया इस एक पुरानी सिविलाइजेशन है तो इसमें ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है तो उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दिया गया था ठीक है एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई थी और उसमें एक एक स्कीम है टू प्रमोट द ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेशनल आयुष मिशन को लॉन्च किया गया था तो अब तो हो गया मेजर्स अब सजेशंस क्या होंगे सजेशंस पे आते हैं याद है आयुष्मान भारत मैंने कहा था इट इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच इनफैक्ट अब तक की जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो सारी इंटाइटलमेंट बेस्ड है इंटाइटलमेंट मतलब हम आपको दे रहे हैं ठीक है ना खुश हो ना आपको दे रहे हैं हम क्या प्रॉब्लम है ये हम बात कर रहे हैं अगर हम आज की अप्रोच बात कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की वी शुड मूव टू अ राइट बेस्ड अप्रोच सो वी नीड टू हैव अ राइट बेस्ड अप्रोच टू दी हेल्थ केयर सेक्टर राइट्स बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि आपका अधिकार है आपको हेल्थ केयर कैसे नहीं मिल रहा आपका अधिकार है आप कोर्ट में जा सकते आप क्लेम कर सकते हैं आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमको हेल्थ केयर चाहिए

जो बहुत कम है इवन सहारन कंट्री से भी कम है जो डेजर्ट अफ्रीकन लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उससे भी बहुत कम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है दैट दिस शुड बी इंक्रीज टू 2.5 परसेंट ऑफ द जीडीपी और अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं इट रिकमेंड 5 परसेंट ऑफ द जीडीपी तो ये बहुत कम है आसपास भी नहीं है और इवन तो गवर्नमेंट ये क्लेम करती रहती है कि यू नो वी शुड इंक्रीज पर रियल टाइम में इसको कोई इंक्रीज देखा नहीं गया है तो इंक्रीजिंग मेडिकल बजटरी एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन से वी शुड फोकस मोर ऑन द प्राइमरी हेल्थकेयर, वी शुड फोकस मोर ऑन प्रीवेंटिव केयर, तो इन एरियाज पे हमें फोकस करने की जरूरत है। अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री, दैट इज़ वी नीड टू हैव रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन, सी डॉक्टर्स क हमें पता है कि मेडिकल कॉलेजेस भी कम है कंट्री के अंदर कितना मुश्किल होता है मेडिकल सीट लेना इवन दो यू मे बी अकेडमिकली गुड पर आपको सीट नहीं मिलेगी फिर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन ऑल्सो इनफैक्ट दैट वॉज रिवील्ड इन दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में करप्शन के स्कैंडल्स निकले हैं जो इट विच वॉज चार्ज ऑफ द मेडिकल एजुकेशन ठीक है टू इम्प्रूव द इशू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स ट्रेन स्टाफ वी नीड टू इम्प्रूव द मेडिकल एजुकेशन और इसके लिए एम को चेंज कर दिया गया है इनटू नेशनल मेडिकल कमीशन एडिशनली बता दिया मैंने आपको दूसरा लास्ट नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था दैट वी इन इंडिया वी हैव एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर हम उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स वी कैन हैव अ ब्रिज कोर्स एक ब्रिज कोर्स कर सकते हैं सो दैट दे कैन प्रोवाइड केयर जो बेनिफिट्स दे सकते हैं टू दी अनअटेंडेड पीपल

सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन टेली मेडिसिन डिजिटल हेल्थ केयर इस पर हम फोकस कर सकते हैं वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एक पॉलिसी इन्वायरमेंट सो दैट दीज स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस कैन इम्प्रूव ये आ सके और कंट्री के अंदर तो ये सब था द मेन पॉइंट या फिर एक अप्रोच टू दिस क्वेश्चन अब आते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

एजुकेशन नहीं मिल रही है उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसके रेफरेंस में काफी न्यूज आर्टिकल्स भी आए हैं जैसे कि ये आ गया है अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन उन्होंने बोला है कि स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए और उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए यहाँ पे इनफैक्ट दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हम आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद रिसेंटली बहुत रिसेंटली इस संडे को ही एक्चुअली आई ने अपनी कुछ रिपोर्ट को हिंदू में एक आर्टिकल आया था अबाउट द री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स और उसमें आई के क्या व्यूज है सो बेस्ड ऑन द रीसेंट फाइंडिंग्स तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो तो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट है देर इज अ स्ट्रॉग केस फॉर री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स तो यहाँ तो एक स्टैंड ऑलरेडी ले लिया पर इसका मतलब ये थोड़ी है बिकॉज कि हमें वही फॉलो करना है देखो यहाँ पे लिखा है क्रिटिकली एनालाइज तो हमें क्रिटिकली देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है और इसको हमें बताने के लिए हमें सारे परस्पेक्टिव डालने पड़ेंगे जब सब कुछ हम डालेंगे तभी तो हम एनालाइज कर सकते हैं और उसका एनालिसिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव टू राइट एट द एंड ऑफ द आंसर अब आते हैं अप्रोच सो वी विल स्टार्ट बाय प्रेजेंटिंग द डायलेमा डायलेमा क्या है स्कूल्स खोले या नहीं खोले स्कूल्स खोलते हैं तो कोविड 19 बढ़ जाता है बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं तो उनको बीमारियां हो सकती है ठीक है और वल्नरेबल होते हैं हम ऐसे ही समझते हैं तो ये डायलेमा है यहां पे पॉलिसी मेकर्स के लिए इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो वो भी डरते हैं बच्चों को स्कूल भेजने में तो ये मेन इशू है तो यहां पे हमें अब ये डायलमा के कंटेक्स में पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि स्कूल्स रीओपन करने का क्या आर्ग्यूमेंट्स है स्टेटमेंट भी ऐसी लिखी है देर इज अ स्ट्रांग केस फॉर रीओपनिंग तो वो स्ट्रांग केस क्या है पहले ये बताइए फिर बताइए कि कंसर्नस क्या है वैसे मैं बता चुका हूं तो इसी को थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए एंड लास्टली इस पॉइंट्स के बेसिस पे इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपना कंक्लूशन बताइए कंक्लूशन इज बेसिकली द क्रिटिकल एनालिसिस इनफैक्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर जहां ऐसा लिख दिया क्रिटिकली एनालाइज कमेंट तो कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है कंपलसरी है बिकॉज दैट इज थिंग जो आपको पूछा गया था यहां पे वो एंड में आता है अब आते हैं हमारे अप्रोच के ऊपर या मेन पॉइंट्स बेसिकली तो पहले तो आप डायलेमा बताएंगे अपने वर्ड्स में ठीक है जस्ट राइट इन ट्वेंटी थर्टी वर्ड्स राइट डाउन द केस अगर आपको कोई रिसेंट इंसिडेंट पता है जहाँ पे कोविड नाइन्टीन हो गया बच्चों को ठीक है काफी सारे न्यूज में आते रहते हैं अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने खोल भी दिया है स्कूल्स को तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास एविडेंस यहाँ पे तो आप अपने एविडेंस के बेसिस में बताइए नेक्स्ट आते हैं हम केस ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स तो जब ये स्कूल्स चल रहे हैं पहली बात तो अभी आजकल एजुकेशन कैसे हो रहे हैं स्कूल तो चल रहे हैं तो वी हैव मूव टू ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन तो बंद हो गई जहां पे लोग क्लासरूम में आते थे अब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई अब ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये हो गया एक तो मिडिल क्लास में तो उनको भी लगता है कि यार इतना अच्छा नहीं है पर अगर हम देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन What about the मार्जिनलाइज communities? मार्जिनलाइज communities, the communities from the weaker sections. तो हमारी कंट्री के अंदर दर इज अज डिजिटल डिवाइड कुछ लोगों के पास इंटरनेट है अच्छी फैसिलिटीज है कुछ के पास नहीं है एंड वो कुछ नॉर्मली रूरल इंडिया के अंदर होता है जिनका पर्टिकुलरली इनकम लेवल्स कम है सो दिस इज क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड और ये डिजिटल डिवाइड की वजह से वो एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिल रहा है और अगर इंटरनेट है भी तो आपको एक स्मार्टफोन चाहिए स्मार्टफोन के बाद आपको इंटरनेट पे खर्चा करना पड़ेगा इतना सस्ता नहीं है सस्ता है मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज बट फिर भी हमारे जो पुअरर सेक्शंस हैं मार्चनाइज कम्युनिटीज उनके लिए मुश्किल है सो ऑनलाइन एजुकेशन तो दे दिया है बट इट इज़ नॉट एक बैरियर है वो फिर भी इन अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन एक एक्सेसिबल नहीं है वो कुछ लोगों के लिए अवेलेबल भी नहीं है अफोर्डेबल भी नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे फिर ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट रियल एजुकेशन ठीक है आपने ऑनलाइन कर दिया पर क्या स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है एजुकेशन इज मच मोर एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग ऑफ लाइफ स्किल्स द आप फ्रेंड्स बनाते हो आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं आप टीचर से बात करते हो सो इट्स मच मोर टू विट देर आर सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो सो ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट रियल एजुकेशन इन फैक्ट दिस इज वॉट द पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी ऑन एजुकेशन उन्होंने भी सेम बात बोली है यहाँ पे देन वी सी दैट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस और जो स्कूल्स बंद हो गए हैं ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन भी उससे हम ये देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिनको हमने इतने एफर्ट्स के साथ हम स्कूल में लेके आए थे हमने नियर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर ली थी अंडर सर्व शिक्षा अभियान राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने सबको ले आए थे हम अंदर प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट अब हम देख रहे हैं हाई ड्रॉप आउट रेट्स मतलब बच्चे बाहर हो रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम के वो स्कूल एजुकेशन छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस महामारी हो गई है जॉब्स नहीं मिल रही मतलब पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो उनको भी काम करना पड़ रहा है सो वी सी दम एंगेज इन हाउस होल्ड वर्क डोमेस्टिक वर्क तो चाइल्ड लेबर भी प्रमोट हो रहा है इसकी वजह से तो so ये एक बड़ा इशू है उसके बाद वी सी लॉस ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो सीखा था वो भूल गए पहले ही क्वालिटी ऑफ लर्निंग वॉज पुअर सो दिस वॉज सीन इन दिस ऑफ ए एस ई आर ठीक है ए एस ई आर की फाइंडिंग्स में हमें पता था कि लॉस ऑफ लर्निंग आउटकम लर्निंग आउटकम वैसे पुअर है बिकॉज द स्कूल वॉज क्लोज ऊपर से ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं है फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन तो बहुत नुकसान हो रहा है फिर देखा जा रहा है दैट देर इज हायर इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज हो रहा है बच्चों की पर्सनैलिटी अफेक्ट हो रही है बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू देर हाउस तो इससे प्रॉब्लम्स आ रही है सो देर इज अ केस ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स तो बच्चों को बीमारियां तो हो सकती है तो इस केस में ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं एक आई की फाइंड मतलब नॉट आई एक फाइंडिंग है यू you नो know, जब कोविड होता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं जब कोविड होता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देखा गया है कि जो चिल्ड्रन है वो घरों में जहाँ पे कोविड हुआ था जहाँ वहाँ पे बच्चे हैं, उनमें कोविड नाइन्टीन के सिम्टम्स नहीं देखे गए तो इसका मतलब है कि बच्चे आर बच्चों पे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कोविड का सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स तो इस केस में पार्लियामेंट्री जो कमीशन अपनी जो कमेटी थी ऑन एजुकेशन उन्होंने भी कहा कि हमको स्कूल्स खोल देने चाहिए हमें देखना पड़ेगा कि हम एजुकेशन अगर हम एजुकेशन नहीं देते तो उसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा खराब है एज कंपेयर टू जो कोविड करता तो हमें वो देखना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फैमिलीज हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है दे आर बींग फोर्स इन टू अ परपेचुअल ट्रैप ऑफ पॉवर्टी उनको आगे चल के जॉब्स नहीं मिलेगा तो ये हमें देखना पड़ेगा तो इन्होंने रेकमेंड किया कि आप स्कूल्स खोलिए सो रिसेंटली अभी रिसेंटली हमने देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्कूल्स खुल गए हैं काफी सारे स्टेट्स में स्टेट्स uh, के डायरेक्शंस की वजह से स्कूल्स खोल दिए गए हैं और स्कूल्स जो खुले हैं उसमें भी सेकेंडरी स्कूल को खोला गया है तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल ठीक है जो आपकी छोटी क्लासेस होती है उनको बंद रखा गया है वो घर पे बैठे हैं जो सेकेंडरी स्कूल वो शुरू शुरू हो गए यहाँ पे टेंस तो अब आई सी एम आर की फाइंडिंग पे आते हैं तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया अब आई सी एम आर क्या कहता है आई सी एम आर कहता है अभी रिसेंट फाइंडिंग आई थी वो कहता है कि प्राइमरी जो सबसे छोटे बच्चे है उन पर इतना इफेक्ट नहीं होता वायरस का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में आया था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देखा गया था कि इनको सिम्टम्स नहीं थे पर जब आई ने सेरोलॉजिकल स्टडीज करी सेरोलॉजिकल स्टडी का मतलब कि जब उन्होंने वो ब्लड टेस्ट लिया लोगों का रैंडमली ब्लड टेस्ट लेते हैं तो ब्लड टेस्ट में दे आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज तो एंटीबॉडीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर एंटीबॉडीज है कोविड रिलेटेड मतलब उसको कोविड हुआ था ठीक है इससे हमें पता लग जाता है तो वो देख रहे हैं वो कहते हैं कि इवन छोटे बच्चे हैं उनमें भी पाया गया ठीक है उनके अंदर सिम्टम्स नहीं थे कोविड के पर उसमें सिम्टम्स पाए उनमें एंटीबॉडीज पाई गई थी सेरोलॉजिकल सर्वे में देखा गया यहां पे तो उनको भी वायरस था उनके अंदर भी पर उनमें सिम्टम्स नहीं थे दे वर एबल टू डील विद द वायरस मच बेटर तो आईसीएमआर ने रेकमेंड किया है कि इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी ये हायर क्लासेस को छोड़ के हमें प्राइमरी को शुरू करना चाहिए सबसे पहले क्योंकि ये बच्चे ऑल तो हमें लगता है कि ये इम्यूनिटी कम हो गई बच्चे हैं पर इनकी इम्यूनिटी इज मच बेटर कुछ साइंटिफिक रीजन है इसका कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं जो वायरस से आते हैं रिसेप्टर्स जिस पे वो बाइंड करता है स्पाइक प्रोटीन वो इनमें कम होते हैं सो देयर रिस्पॉन्स इज मच बेटर पर आई ने ये भी बोला है कि मान लीजिए मान लीजिए बच्चे स्कूल जाते हैं ठीक है थीके? तो हमें इतना तो पता है कि बच्चों के अंदर चिल्ड्रेन ऑल्सो है वायरस सो वेन दे गो टू स्कूल वैन दे गो टू स्कूल एंड कम बैक टू देर हाउस तो जब अपने घर के अंदर आते हैं वो एडल्ट में वो वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं शायद उनको ना हो वो असिम्टोमेटिक रहे पर वो एडल्ट में डाल सकते हैं और इसकी वजह से जहाँ पे कोविड कम था वहाँ पर कोविड और फैल सकता है तो ये फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर तो ये पूरा एनालिसिस हुआ वेयर यू ब्रिंग आउट वेरियस परस्पेक्टिव वेरियस पॉइंट रिकमेंडेशन आप बताइए कि ये पॉइंट आपने यहां से लिया है उससे और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अब आता है लास्ट पॉइंट की एनालिसिस की आप क्या आउटकम पे आते हैं लास्ट पॉइंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर दिस अब आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन मतलब स्कूल्स बंद हो आप कह सकते हैं स्कूल्स खुले हो बट इफ यू आर अ पॉलिसी मेकर अगर आप तो आपको ये इट विलडेड दैट द स्कूल द गाइडलाइंस जो कहते हैं कि द स्कूल शुड स्टार्ट टू बी ओपनिंग बाई द प्राइमरी स्कूल ठीक है बट प्रोवाइडेड ड्यू प्रोटेक्शन इज टेकोड ट्रेंड दैक्सिनेशन शुड भी इंटेंसीफाइड ड्यू ड्यू सेफ गार्ड शुड भी टेकन सच एज वेंटिलेशन ऑफ द रूम्स सोशल डिस्टेंसिंग ऑल दो प्रोटोकॉल्स मस्ट भी फॉलोड तो ये आपका जो है क्रिटिकल एनालिसिस एंड में आएगा जाके यहां पर आपको उसके पहले सारे व्यू पॉइंट यहां पर देने पड़ेंगे ऐसे मत करना कि आप पहले बता दो कि यह आपका ये द स्कूल शुड बी ओपन नो द स्कूल शुड वो आपको नहीं पूछा वो आपको बाद में बताना है तो ये आपका ये अप्रोच रहेगा टू देंस आंसर राइटिंग So, if you like today's session, please do like and share your feedback on the comment section. And waiting to see your answers on the Telegram channel. Bye bye, take care, and all the best. You're watching this with me, Shubhashi Singh Rehad. Bye bye, take care.